हाई एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये नायका पिंक फ्राइडे सेल हॉल होने वाला है और नायका ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं करा है। आई नो आई एम वेयरिंग पिंक, पर मैं दूसरे सेटअप में आज वीडियो कर रही हूँ तो यहाँ पर यही पड़ा हुआ था फॉर्चुनेटली, या जो भी, ठीक है। तो मुझे ठीक लगा, मैंने पहन लिया और नायका ने 5 साल में मुझे आज तक कभी भी स्पॉन्सर नहीं करा है, मैं ये भी क्लियर कर दूं। पर नायका मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहता है, मैंने काफ़ी टाइम से हॉल करा भी नहीं था, आप लोग भी मुझे बोल रहे थे हॉल करने के लिए। तो कुछ मैं चीज़ें यहाँ पर बता दूँ जो मैंने नोटिस करा इस सेल के दौरान, कि मैं जब भी अपने कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करी थी ना, कुछ घंटों के बाद या एक दिन के बाद मैंने ये चीज़ देखी। सेल मेरे ख्याल से 24 नवंबर से स्टार्ट हुई थी, तो 2 दिन के बाद मैं देख रही थी कि प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाते थे, 50 रुपये या 100 रुपये ऐसा हो रहा था। पर ना, नायका से शॉपिंग करना बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ तो 1-2 दिन में सामान आ जाता है। बस इस बार ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे थे और भी लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, तो ये सारा सामान मुझे 5th या फिर 6th दिसंबर को डिलीवर हुआ था सब कुछ। तो मैं उसी का वेट कर रही थी कि आ जाए। सो हेयर आर दी बॉक्सेस, मुझे 4 बॉक्स में ये सारा सामान रिसीव हुआ है। अराउंड 6,000 रुपीज की मैंने शॉपिंग करी थी और मुझे कई लोग बोलते भी रहते हैं कि पिंक बॉक्स कहाँ पर है, तो मैंने बताया है कि नायका मुझे स्पॉन्सर नहीं करता है, तो इसलिए वो मुझे पिंक बॉक्स, शायद जो स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है उन्हीं को मिलता है, मुझे आज तक कभी नहीं मिला, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन दिस वन, दिस इज दी बिगेस्ट बॉक्स, 3 और पड़े हुए हैं तो इसको खोलते हैं। मैंने ये जो बड़ा वाला बॉक्स खोला ना, इसमें ज़्यादातर नायका के ही आइटम्स थे और नायका के मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कराए क्योंकि फ्री गिफ्ट्स मिल रहे थे और फ्री गिफ्ट्स किसको अच्छे नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले ये है नायका का लव स्ट्रक टेंडर टच बॉडी लोशन। बॉडी लोशन मेरे पास वैसे तो बहुत सारे पड़े हुए थे पर मैंने नायका का कभी ट्राई करा नहीं था। इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था और रिव्यूज़ भी अच्छे थे। और अब पता क्या हो गया कि मुझे सारी चीज़ें डबल रखनी पड़ेगी, सब कुछ, मतलब टूथब्रश, बॉडी लोशन, मेकअप, सब मुझे यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। मेरे बेडरूम में तो है ही, जहाँ पे मैं पहले अपनी YouTube वीडियोस रिकॉर्ड करती थी, और यहाँ पर भी जो दूसरा मेरा सेटअप है, सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी पड़ी। और अभी भी मेरी होम डेकोर की और मेकअप की बहुत सारी शॉपिंग चल ही रही है, अभी इतना एको भी हो रहा होगा, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। तो मैंने ना ये बॉडी लोशन अभी जस्ट ट्राई करा, अच्छा है, इसमें एलो है, शिया बटर है और फ्रेग्रेंस, एडिड फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा है, पर ठीक है, प्राइस के हिसाब से अच्छा लोशन है क्योंकि अभी सर्दियों में ना हैंड्स ड्राई हो जाते हैं, पैर ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए अच्छा है। फ्रेग्रेंस इसकी रोज़, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैसा इसमें फ्रेग्रेंस है, ऑल्दो इस पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है तो एडिड फ्रेग्रेंस ही होगी, लोटस लिखा हुआ है, बाकी सारे नाम तो मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, ट्रेथेनेल क्या लिखा, जो मुझे समझ में आ रहा है प्योरीफाइड वाटर, ग्लिसरिन, शिया बटर, लोटस फ्लावर एक्सट्रैक्ट, बाकी सारे ऐसे नाम है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो हाँ, बहुत सारे इसमें एडिड केमिकल्स और फ्रेग्रेंस है, पर कोई बात नहीं, बॉडी लोशन है, चल जाएगा। सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, मैंने इसे लगाया ही ना, ये ऐसे बेबी लोशन की तरह फील हो रहा है। देन आई हैव दिस नायका ऑल डे मैट फाउंडेशन और मैंने शेड लिया है बेज, एंड आई थिंक ये मेरे स्किन टोन से मैच कर जाएगा बिकॉज इट हैज़ अ वार्म अंडरटोन। पहले मैं न्यूट्रल या फिर ऑलिव भी सोच रही थी, इसका ऑलिव शेड भी आता है 08, फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, यही ट्राई करती हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये मैच होना चाहिए। इस पर भी डिस्काउंट था, ये 599 का है, पर मैंने जब इसे कार्ट में डाला था अराउंड 400 का था, और जब मैं चेकआउट कर रही थी तो इन्होंने फिर से इसका प्राइस 575 कर दिया, पर ठीक है इस प्राइस में, बाकी लगाने के बाद ही पता चलेगा कि ये मेरे स्किन पर कैसा लग रहा है। पैकेजिंग वगैरह ओके, मतलब बहुत ही एवरेज सी है, और ये फाउंडेशन कैसा है, मेरे स्किन पे कैसे काम कर रहा है, स्किन टोन पे कैसा लग रहा है, रिव्यू मैं जल्दी ही लेके आऊंगी। पर इसके बाद ये नायका का टी ट्री ऑयल है, और टी ट्री ऑयल ना मैं शैम्पू करते टाइम उसमें कुछ ड्रॉप्स मिक्स कर लेती हूँ, ये मेरे डैंड्रफ को कंट्रोल में रखता है, और नायका का टी ट्री ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने और भी ट्राई करे बट दिस वन इज रियली गुड, तो ये मेरा शायद 3रा परचेज होगा इनका, बहुत अच्छा डैंड्रफ है तो ट्राई करना शैम्पू में मिक्स करके। और फिर मैंने ना ये सोप लिया है नायका नेचुरल्स का, तो नायका नेचुरल्स पे भी ना कुछ ऐसा ऑफर चल रहा था कि अगर मैं इतने प्रोडक्ट्स लेती हूँ इतने प्राइस का तो उस पर कुछ मुझे फ्री आइटम्स मिलेंगे, इसलिए मैंने सोप भी ले लिया क्योंकि मेरे काम का है, आई लव टू अप्लाई सोप और यहाँ पर भी मुझे रखना ही है। तो ये नीम एंड तुलसी सोप है, तो इससे बॉडी एक्ने जो होते हैं, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इचिंग वगैरह, रैशेस कभी भी हो जाते हैं, तो नीम और तुलसी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए मैंने इसको लिया है। और फिर है इसके बाद कुछ मेरे ख्याल से फ्री आइटम्स है, ये मुझे नायका नेचुरल्स का एप्पल साइडर विनेगर एंड जिंजर शैम्पू मिला है,
आई हैवन ट्राई द शैम्पू एवर, तो देखते हैं एप्पल साइडर से भी डैंड्रफ हटता है, तो इसको भी देखेंगे ट्राई करके. एंड देन देयर इज आंवला एंड कड़ी लीव्स शैम्पू. तो ये आंवला एंड कड़ी लीव्स बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. और फिर है नायका का ये मेकअप रिमूवर. मैंने मेकअप रिमूवर भी बहुत सारे ट्राई करे हैं. वाइप्स लोग मना करते हैं यूज़ करने के लिए, पर जब अर्जेंट होता है तो करना ही पड़ता है. ट्रैवल कर रहे होते हैं तब भी करना होता है. और नायका का मैंने कोई भी मेकअप रिमूवर अभी तक ट्राई नहीं करा, तो ये भी मैंने लिया है. इसमें 30 वाइप्स है. और फिर मुझे एक और कुछ फ्री मिला है यहाँ पे, नायका का ब्लैक मैजिक काजल. और फिर मैंने इसके बाद ये कलर बार का भी मेकअप रिमूविंग वाइप्स लिए हैं, ऑन द गो मेकअप रिमूवर वाइप्स. इसमें 10 वाइप्स है, सस्ता ही था, ये अराउंड 60 या 70 रुपए का था. फिर इसके बाद मैंने ये एक प्राइमर लिया है प्लूम ब्रांड का. इट्स प्लूम और प्लम, नहीं प्लम का तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं, दिस इज प्लूम आई गेस. तो इनका ये सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है विद हाइलोरोनिक एसिड एंड एवोकाडो एक्सट्रैक्ट. तो प्राइमर्स मैंने बहुत सारे ट्राई करे हुए हैं, स्मैश बॉक्स, बेनिफिट, लैक्मे, इनस फ्री. कौन सा प्राइमर मैंने यूज़ नहीं करा है. सस्ते में भी बहुत सारे, इनसाइट का यूज़ करा है, देन देयर इज सिवाना का यूज़ करा है, स्विस ब्यूटी यूज़ करा है. आई ट्राइड एवरी प्राइमर, क्योंकि मेरे पोर्स है थोड़े, ऑयली स्किन है, सो आई हैव टू यूज़ अ गुड प्राइमर. मैं प्राइमर स्किप नहीं करती हूँ. तो ये मैंने देखा तो सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं. कुछ डिफरेंट लग रहा था, रिव्यूज़ अच्छे थे. और इसका ना मैंने मेकअप एप्लीकेटर, ढक्कन क्यों खुला हुआ है, व्हाई इट इज़ ओपन, ढक्कन खुला हुआ था, देखो जैसे ही मैंने अंदर से निकाला, कैप खुली हुई है. खैर कोई बात नहीं, इसको देखते हैं बस यार, ये निकला हुआ ना हो, ये खुला है तो नहीं, ऐसे पता भी नहीं चलेगा. देखो ये ऐसे मॉइस्चराइजर की तरह है ये. आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन के लिए ऐसा. पर हाँ, इस पर लिखा ही हुआ था मॉइस्चराइजिंग प्राइमर, सिल्क ब्लर भी पर लिखा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा स्किन ब्लर हो जाएगा. सो आई हैव टू ट्राई इट ऑन माई फेस. अभी हाथ पे मैं यूज़ करके नहीं बता सकती कि कैसा ये पोर्स पे काम कर रहा है. अच्छा, अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ तो ये बंद ही नहीं हो रहा है, तो इसका जो कैप है वही ख़राब है, इस वजह से ये खुल गया. तो इनकी पैकेजिंग में प्रॉब्लम है. इसके बाद ये दो नेल पॉलिश है मरून कलर के. एक ये नायका की मैट नेल पॉलिश है, शेड है ये रूबी ब्लेज नंबर 120. और ये शेड ही मैंने इसलिए लिया है, ये ग्लॉसी वाला है, दिस इज़ फ्रॉम बेलोरा पैरिस. और ये शेड है मरून, नाम ही इसका मरून है. कलर दोनों सेम इसलिए लिए हैं, एक मैट में एक ग्लॉसी में, क्योंकि ये शेड ना एक तो हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है, हर सीजन में अच्छा लगता है, और बहुत ही रिच अच्छा लुक देता है आपके नेल्स को. तो अब तो मैंने ज़्यादा ब्राइट कलर्स लगाना कम कर दिया है, मैं ज़्यादातर न्यूड्स लगाती हूँ, न्यूड पिंक या फिर न्यूड ब्राउन, कोई न्यूड बेजी शेड हो, या फिर मरून्स या फिर रेड. तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत रिच लुक देते हैं आपके ओवरऑल लुक को, आपके ज़्यादातर आउटफिट के साथ भी जाते हैं, पैरों पर भी बहुत सुंदर लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है. उसके बाद ये अंडर आई क्रीम है द नेचुरल वॉश कंपनी का, TNW. और इनके प्रोडक्ट्स मुझे ध्यान नहीं है मैंने यूज़ करे हैं कि नहीं, पर इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे. इसमें पपाया है, पोटैटो है, इस पर लिखा हुआ है विद गुडनेस ऑफ पोटैटो, आमंड्स एंड पपाया. तो ये अंडर आई के लिए, पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं. पैराबेन नहीं है, हर स्किन टाइप को सूट कर जाएगा. इसमें कॉफ़ी भी है, एलोवेरा है, वाइटामिन ई है, और ये ऐसा रोल ऑन वाला है कि आप इसको जैसे डायरेक्टली लगा सकते हो, कोई क्रीम व्रीम लगाने की आपको ऐसे है ना किसी आप जार में से निकाल रहे हो, क्योंकि वो अक्सर ना मिस हो जाता है. ये ऑन द गो टाइप है कि आपने बस रखा, बैग में भी रख लिया, ऐसे आपको ड्राई लग रहा है. क्योंकि मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ, जैसे जैसे अब एज हो रही है, आई एम 31, तो यहाँ पे ना थोड़ी ड्राइनेस आ रही है, स्पेशली विंटर सीजन में, तो ये एरिया वैसे ही हमारा बहुत सेंसिटिव होता है. तो इधर मैंने ड्राइनेस देखी है, लिड पे भी थोड़ी सी ड्राइनेस देखी है, तो मुझे लगा कि शायद ये काम कर जाए. तो हाँ, ये कुछ ऐसा है अंदर से, इतनी बड़ी बड़ी पैकेजिंग बना देते. तो देखो, इससे ना आप डायरेक्टली अपने अंडर आई पे अप्लाई कर सकते हो, लिड्स पे भी लगा सकते हो. और मुझे ना इससे बड़ी उम्मीदें लग रही है इसके इंग्रेडिएंट्स देख के, तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं. बॉक्स में एक ये पाउच भी मुझे मिला है फ्री में, क्योंकि कुछ ऐसा था ऑफर कि अगर आप 6000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको ये पाउच मिलता है, जानवी कपूर का साइन. खैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊंगी. इस पर साइन नहीं होता तो शायद मैं यूज़ करती
रहती तो मैं इसको किसी को दे दूँ. ओके, सो आफ्टर दिस आई हैव अ हैंड क्रीम फ्रॉम नायका. दिस इज नायका व्हिप्ड विद लव फ्रेंच लैवेंडर एंड हनी हैंड एंड नेल क्रीम. एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ वॉशिंग माई हैंड्स 20 टाइम्स इन अ डे एंड आफ्टर एवरी वॉश आई अप्लाई अ हैंड क्रीम. तो इतना मेरा हैंड क्रीम का कंजम्पशन हो जाता है ना. वैसे तो बॉडी लोशन भी लगा सकते हैं पर पता नहीं छोटे छोटे ऐसे ये ट्यूब्स में आते हैं ना तो बैग में भी आ जाते हैं. मुझे बहुत क्यूट से लगते हैं और मुझे वो नायका का पैकेज भी कंप्लीट करना था. कुछ उस पर जो ऑफर था ना, तो हाँ ये 299 का था, डिस्काउंट पर थोड़ा सा सस्ता मिला होगा. और इसकी फ्रेग्रेंस देखते हैं कैसी है. सो इट स्मेल्स लाइक लैवेंडर, टी ट्री. इसमें टी ट्री भी है क्या? हनी जैसा मुझे तो नहीं लग रहा. मुझे वो पॉइंट्स का पाउडर आता था ना पर्पल वाला, वैसी थोड़ी सी स्मेल है इसकी. मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा एडिड फ्रेग्रेंस है. खैर कोई बात नहीं, मुझे हाथ पे ही ये यूज़ करना है. फेस वाले में इतनी फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए. और क्या है यहाँ पे, कुछ लिपस्टिक्स हैं, तीन लिपस्टिक्स हैं. एक ये इनसाइड की है, 24 आवर्स नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक. शेड है ये स्टे बेसिक. इनसाइड की लिपस्टिक मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैंने पहले भी इनके लिप प्रोडक्ट्स यूज़ करे हुए हैं. मुझे काफ़ी, अब देखो मेरे हाथ स्लिप हो रहे हैं, हाँ, तो वो मुझे अच्छे लगे हैं. सो दिस इज़ अ ब्राउन शेड, अच्छा है विंटर्स के लिए, बहुत ही सुंदर शेड है. या फिर आप इसे किसी दूसरे लाइट शेड में मिक्स करके लगा सकते हो क्योंकि मुझे ऐसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसका हैंड स्वॉच मैं दिखा देती हूँ. यस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल शेड और मैट है, सॉफ्ट है. ऐसा नहीं कि बहुत ही ड्राई पैची सा लग रहा है. तो सुंदर कलर है ज़्यादातर, मतलब जितने भी स्किन टोन है सब पे अच्छा लगेगा. ये बहुत सुंदर कलर है, ब्राउन शेड है और कईयों पे न्यूड ब्राउन लगेगा. तो डिफरेंट स्किन टोन पे डिफरेंट लगता है बट वेरी ब्यूटिफुल शेड. देन आई हैव दिस क्रीमी मैट फ्रॉम मेबलिन न्यूड न्यूआंस. और ये बहुत ही पॉपुलर शेड है. मेरे पास इसके दो थे, ख़त्म हो चुके हैं और मैंने सोचा कि चलो सेल पर है तो दोबारा से ले लेते हैं. वैसे ना अमेजोन पे सस्ता मिल रहा था पर सब सामान मैं ले ही रही थी तो मैंने देखा नहीं इतना, क्या 20-30 रुपये का करना. उफ, पीछे गिर जाता है. ये तो बहुत बहुत सुंदर कलर है. मैं इसका हैंड वॉश नहीं करी, मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है. सब लोगों को पता ही होगा कि ये कैसा लगता है. बहुत प्यारा कलर है, हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है. बहुत सॉफ्ट है, क्रीमी है, लिप्स को नरिश्ड रखता है. जिनके ड्राई लिप्स है उन पे भी बहुत सुंदर लगता है. और मैंने इसे इतना ज़्यादा यूज़ करा है तो इसलिए हाँ यही रीज़न है कि मैंने इसे दोबारा ख़रीदा है. और फिर ये फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक है, सस्ती थी ये, 299 की थी. शेड है बफ न्यूड 05 और इस पर लिखा है वेटलेस मैट फिनिश लिपस्टिक. तो देखते हैं कैसी है ये लिपस्टिक. बहुत ही छोटी सी क्यूट सी है, मैट जैसी थोड़ी सी पैकेजिंग इसकी लग रही है और अच्छी लगी मुझे पैकेजिंग. खोलते हैं इसको, शेड बहुत सुंदर लग रहा है. बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी पैकेजिंग. और जैसे इन्होंने लिपस्टिक में ना कुछ इसकी जो बुलेट आप देख रहे हो ना, ये कैसा है डिज़ाइन इसका, कुछ डिफरेंट है. पता नहीं मुझे कैमरा पे जस्टिस हो रहा है कि नहीं इसके डिज़ाइन के साथ, पर बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है. यहाँ पे इनका लोगो भी है, फेसेस कैनेडा लिखा हुआ है. शेड बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर शेड है, बहुत बहुत प्यारा न्यूड कलर है. थोड़े से इसमें पिंक के भी टोन्स हैं. ये देखो कितना अच्छा कलर है. ये दोनों को ऐसे मैं मिक्स करके लगाऊंगी ना बहुत अच्छा लगेगा. तो ये भी शेड मुझे अच्छी आई है लिपस्टिक. मुझे डर लग रहा था कि कहीं शेड ऐसा ना आ जाए जो मुझे वॉश आउट कर जाए या बहुत ही डार्क हो, पर सारे ही शेड्स बहुत सुंदर हैं. एंड दिस वन इज़ फ्रॉम के ब्यूटी. और अरे ये तो क्या है, ये लिक्विड आईलाइनर है. मुझे खुद ही ध्यान में नहीं है मैंने क्या क्या लिया था. हाँ, ये मैंने इसलिए लिया था आईलाइनर. दिस इज़ अ ब्राउन आईलाइनर. ये ऐसा मैंने देखा ना पैकेजिंग तो मुझे लगा कोई न्यूड ब्राउन लिपस्टिक होगी. तो इस पर भी डिस्काउंट था. इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, जो भी था पर हाँ डिस्काउंट पे था. इसका नाम है सिजलिंग मोका. और ब्लैक आईलाइनर तो हम सब लगाते ही है. मैंने सोचा कि चलो ब्राउन ट्राई करके देखते हैं. बहुत सालों से मैंने कुछ ऐसा डिफरेंट आईलाइनर नहीं लगाया था तो उसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे थे. मुझे बस इसकी टिप देखनी है. अगर इसकी टिप अच्छी हुई ना, मेरे लिए आई लाइनर का सबसे बड़ा ये पॉइंट होता है क्योंकि मैं काजल इतना नहीं लगाती हूँ, मैं लाइनर लगाती हूँ. तो उसकी टिप अगर अच्छी नहीं है ना तो मुझे मज़ा नहीं आता वो लाइनर यूज़ करने में. इसकी टिप बहुत ही पतली है और ज़्यादा ना फ्लेक्सिबल ना हो ये, बस नहीं ठीक है, इट्स गुड. एंड कलर इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. देखो कितना मैंने यहाँ पे दो लाइन्स लगाई है. ये एक ब्राउन लिपस्टिक जैसा ही लग रहा है. तो मुझे ऐसा ही शेड चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन है.
जो मुझे अपने लाइनर के लिए चाहिए था, तो ये लाइनर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा के ब्यूटी का। और फिर है इसके बाद ये डॉक्टर शेड्स का सनस्क्रीन, विटामिन सी एंड सेरेमाइड सनस्क्रीन, SPF 50 है इसमें, PA++ है, और ये मैंने डाइट सभ्या के स्टोरीज में इतना देखा था तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, रिव्यूज़ इसके काफ़ी अच्छे हैं। और मैं ना एक सनस्क्रीन पर, वैसे तो मैंने टॉप 5 पे भी बनाया हुआ है, टॉप 10 मैंने कभी नहीं करा, मैं टॉप 50 बनाऊंगी। मैंने इतने सनस्क्रीन ट्राई कर लिया ना, मेरी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, और अभी थोड़ी ड्राई हो रही है, ड्राई स्किन वाला एक्ने हो रहा है, तो चेंज होता रहता है सीजन के हिसाब से, इसलिए मुझे डिफरेंट सनस्क्रीन्स देखने पड़ते हैं। लोग भी पूछते रहते हैं कुछ ऐसा बताओ जो चिपचिपा नहीं हो, तो ये भी मुझे ट्राई करना है। और जो मेरी सनस्क्रीन की वीडियो आएगी कुछ महीनों के बाद, उसमें मैं बहुत सारे सनस्क्रीन्स का रिव्यू करने वाली हूँ। और फिर इसके बाद एक और प्रोडक्ट है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम डॉक्टर शेड्स, ये इनका टी ट्री एंड लैक्टिक एसिड बॉडी लोशन है। रीजन टी ट्री एंड लैक्टिक एसिड का, क्योंकि जो बॉडी एक्ने होते हैं, बम पे एक्ने होते हैं, यहाँ पे हाथ पे एक्ने आ जाते हैं, बैक पे हो जाते हैं, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो इस वजह से मैंने ये लोशन लिया है। कितने बॉडी लोशन ले लिए मैंने, मुझे खुद ही याद नहीं रहता। एक तो मेरे वो होटल वाले भी बॉडी लोशन फॉरेस्ट एसेंशियल कामा आयुर्वेदा के पड़े होंगे, जब भी मुझे ये दो ब्रांड्स देखते हैं ना, मैं कुछ भी नहीं उठाती हूँ। फॉरेस्ट एसेंशियल कामा आयुर्वेदा का अगर लोशन है, प्रोडक्ट है, तो मैं उठा लेती हूँ, तो वो भी बहुत सारे खैर पड़े हुए हैं पर काम आ जाते हैं, मैं सबको ना बांट देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने ये ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड सीरम लिया है, इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है, ये ब्लेमिश प्रोन स्किन इस पे लिखा हुआ है। वैसे तो सैलिसिलिक एसिड आपके एक्ने पिंपल्स के लिए भी होता है, और अभी हो क्या रहा था ना, मेरे बहुत सारे एक्ने आए हुए हैं, पता नहीं ऐसे दिख नहीं रहे होंगे मेकअप पे, इतने में पास आऊंगी तो दिखेंगे, तो ये मेरे ड्राई स्किन एक्ने हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑयली फूड। मैंने बहुत ज़्यादा जंक और ऑयली फूड खा लिया है, इस वजह से मेरे इतने एक्ने निकल गए। ये जो फेस्टिव सीजन था ना, तो बहुत हो गया डाइट का इधर से उधर, तो मेरे दाने हो रहे हैं, स्किन भी थोड़ी सी ऐसे ड्राई हो रही है। मतलब मुझे प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करने पड़ते हैं जो मेरी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखे, और ये मैंने इसलिए लिया, मैं सुबह में इसको लगाऊंगी, सैलिसिलिक एसिड सुबह में यूज़ करके सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर लगा के, कि मेरे थोड़ा सा ना ये एक्ने, वाइट हेड्स ऐसे हो रहे हैं ना, इतने वाइट हेड्स हो रहे हैं, छोटे 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 वो सफ़ेद से दाने हो जाते हैं ना, और अच्छे नहीं लगते, तो वो बहुत हो रहे हैं, तो सैलिसिलिक एसिड उसको कंट्रोल में रखेगा। और ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इनका नायासिनमाइड सीरम भी मैं अभी सुबह में यूज़ कर रही हूँ, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद मैंने ये कुछ सैंटिस, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, बस मुझे दिखा, इस पर लिखा हुआ था दिस इज एल्बो एंड नी क्रीम, ये आपकी एल्बोज और नीज को, घुटनों को और कोहनियों को लाइट करता है, ब्राइट करता है। खैर पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, पर मेरे ना घुटनों पे आजकल थोड़ा सा ऐसे निशान पड़ रहा है, क्योंकि मैं घुटनों पे जैसे कुछ योगा करती हूँ ना, तो जितनी देर हम घुटनों पे रहते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस करी, वो ड्राई होता जा रहा है और वो पिगमेंटेड और बहुत ज़्यादा ऐसा स्किन रफ सी हो रही है घुटनों पे बैठने की वजह से, इसीलिए मैंने स्पेशली घुटनों के लिए ये क्रीम ली है। आमंड ऑयल है, फिर है इसमें सनफ्लावर ऑयल, नारियल तेल है, ऑलिव ऑयल है, तो हाँ नारियल तेल काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है अगर जैसे पिगमेंटेशन या बॉडी मार्क्स हो जाते हैं, तो आमंड ऑयल से, बादाम के तेल से, नारियल तेल से वो सब हटते हैं। अच्छा मुझे एक और लिपस्टिक मिल गई, ये भी इनसाइड की है, मैट लिपस्टिक, शेड इज न्यूड कॉफ़ी, दोनों ही अलग अलग है। इसकी पैकेजिंग ऐसी थी गोल्डन सी, बहुत ही सुंदर सी पैकेजिंग है, ये ऐसा सिंपल सी पैकेजिंग में है शेड, मैंने आपको बताया ना न्यूड कॉफ़ी, तो इसका भी स्वॉच देख लेते हैं कैसा है। ये ऐसी मैट फ्रॉस्टेड मैट पैकेजिंग में है, नहीं नहीं नो, दिस इज सच अ चटा फ्लैशी शेड, नियॉन पीच, नियॉन ऑरेंज, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट इट इज नॉट लुकिंग नाइस, आई डोंट नो हाउ इट इज लुकिंग ऑन द कैमरा, यहाँ पर ऐसे बुलेट में मेरे ख्याल से ये बिल्कुल न्यूड से ही लग रही है, बट दिस इज चटा फ्लैशी नियॉन, नो नो, वेरी बैड, एक्सट्रीमली नहीं,
डोंट एवर ट्राई दिस। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोडक्ट है क्योंकि ये ग्लूटाथाइन टैबलेट्स है, ये एच के वाइटल्स की ग्लूटाथाइन टैबलेट्स ली है, और एच के वाइटल्स की ना मैंने पहले भी बायोटिन यूज़ करी है, मुझे उससे रिजल्ट्स मिले थे, तो मैंने सोचा ये भी ट्राई करके देखते हैं। सस्ती है और मैं आप लोगों को कुछ अच्छा रिकमेंड करना चाहती थी, और ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों से कुछ छुपाया है, सब कुछ जो भी मैंने ट्राई करा है या ट्रीटमेंट्स करवाए हैं सब मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो मैंने ये भी लिया, मैं नहीं बता सकती थी, स्पॉन्सर्ड नहीं है, एच के वाइटल्स ने स्पॉन्सर्ड नहीं करा है, पर मैं सही में इसको कंज्यूम करूंगी, देखूंगी कैसे रिजल्ट्स है, क्योंकि मेरे ये जो एक्ने हो रहे हैं ना, ये मार्क्स भी छोड़ रहे हैं। तो इसमें ना देखो और भी चीज़ होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्लूटाथाइन की वजह से ही ले रहे, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, फिर इसमें विटामिन सी है, ई है, बायोटिन है, तो ये सब हमारे स्किन के लिए, ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए अच्छा ही रहता है। तो सिर्फ ये रीज़न नहीं रहता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि नहीं ग्लूटाथाइन यूज़ कर लेंगे गोरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बस आपकी स्किन की क्वालिटी को वो थोड़ा सा इंप्रूव करता है, टेक्सचर को, एक्ने को कंट्रोल करता है, मेरे आंखें बस निकले जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो देख लेते हैं इसको भी ट्राई करके, क्योंकि इनका बायोटिन बहुत अच्छा था, और इसके साथ फ्री मुझे ये कोलाजन भी मिला है, कोलाजन भी इनका अच्छा होता है, मैंने ये भी यूज करा हुआ है। और मैंने ये ओरिएंटल बोटानिक्स का मेकअप रिमूवर भी लिया है, दिस इज टी ट्री मेकअप रिमूवर बाय फेस मिसलर वाटर फॉर एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन इन्फ्यूज विद एक्ने बस्टर्स। तो मुझे लगा कि मेरा मेकअप भी रिमूव हो जाएगा, कुछ एक्ने वगैरह भी चले जाएंगे। आई हैव ऑल्सो यूज लॉरियल का बाय फेस मेकअप रिमूवर जो ब्लू कलर का आता है, वो भी बहुत ही अच्छा है, आई मेकअप निकल जाता है, कितना भी आपने तगड़ा मस्कारा लगाया हो, आई लाइनर लगाया हो या कोई शिमरी शेड लगाया हो, सब कुछ निकल जाता है। पर मुझे ये भी यूज़ करके इसलिए दिखना था क्योंकि जो ये बता रहा है ना कि ये एक्ने को भी ट्रीट करेगा, कम करेगा, तो मैंने सोचा चलो इसको भी देख लेते हैं ट्राई करके। और वही सब चीज़ें ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, पैराबेन नहीं है, तो ठीक है देखते हैं। और फिर ये लॉरियल का कंसीलर है, जस्ट बाय दिस इज वेरी नाइस। मेरे जो पिगमेंटेशन है अंडर आई मेकअप करने के बाद, थोड़ा यहाँ पे ऐसे हॉलोनेस हो जाती है ना, लगता है कि डार्क है, तो उसमें मैं ये यूज़ करती हूँ लॉरियल इनफालिबल फुल वेयर कंसीलर, शेड इज 317 आमंड, बहुत परफेक्टली मुझे ही सूट करता है, ब्लेंडेबल है, कवरेज बहुत अच्छी है, और कहीं पर भी ऐसे क्रैक्स निशान वगैरह नहीं रहते हैं, कवरेज सुपर। और जो इसके अंडरटोन्स है वार्म है, तो मेरे स्किन टोन को सूट भी कर जाता है, और डार्क जैसे डार्क सर्कल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, उसमें जो वार्म अंडरटोन्स के कंसीलर होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो इसलिए मैंने ये कंसीलर भी लिया। इसको तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ, मैंने ये खोल लिया था। तो बस मैंने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं, आपको किसी का भी रिव्यू देखना होगा ना तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे मैं सोच रही हूँ कि पूरा उस पर एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ फाउंडेशन के, बाकी सब जो और भी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं तो वो शॉर्ट्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताना किन किन प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहिए, मैं अच्छे से ट्राई करूंगी और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि उनके रिजल्ट्स कैसे हैं। और आप लोगों ने भी कोई इनमें से प्रोडक्ट्स ट्राई करा होगा या कोई और सजेशन होगा तो वो भी मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब। अभी फिर से मैं नीचे गई थी पानी लेने के लिए, चढ़ना पड़ता है, लिफ्ट नहीं है यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं, सब कुछ कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना। बाय।